के परिवार में उसकी बूढ़ी पत्नी सती के अलावा और कोई नहीं था। आज 3 दिन से सती बुखार से तप रही थी। महादेव के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उसका इलाज करवा सके। उस दिन वो सुबह जल्दी उठ गया। एक बार उसने सती के सिर पर हाथ रखा, उसे अभी भी बुखार था। उसने अपना मछली पकड़ने वाला जाल और बाल्टी उठाई और नदी पर मछली पकड़ने चल दिया। नदी के किनारे पहुंचकर उसने अपना जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। वहां एक और मछुआरा छगन भी अपनी नाव पर बीच नदी में मछली मार रहा था। महादेव को देखकर छगन बोला, अरे बाबा, किनारे बैठने से बड़ी मछली नहीं मिलेगी। नदी के थोड़ा अंदर आओ तो हो सकता है कि कोई बड़ी मछली फंस जाए, है? नहीं बेटा, ना तो मेरे पास नाव है और ना शरीर में ताकत जो मैं नदी में जाकर मछली पकड़ सकूं। अब सब कुछ भगवान के ऊपर है, उन्होंने चाहा तो मुझे बड़ी मछली जरूर मिलेगी। छगन ताने मारता हुआ बोला, तो फिर बैठे रहो घाट को पकड़ के, हाँ भगवान तुम्हारे लिए लाल परी मछली भेजेंगे। लाल परी एक बहुत ही नायाब मछली होती है जिसकी कीमत लाखों में होती है। ऐसी मछली किसी भाग्यवान को ही मिलती है। एक बार जिसे लाल परी मिल जाती है उसकी किस्मत ही चमक जाती है। खैर, महादेव ने छगन की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और काफी देर इंतजार करने के बाद अपना जाल खींचा। उसका जाल भारी लग रहा था। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। मगर जैसे ही उसने जाल बाहर खींचा उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। जाल में मछली तो क्या, एक घोंघा भी नहीं फंसा था। उसकी जगह उसमें ढेर सारा कचरा जैसे प्लास्टिक की बोतलें, सड़े पुराने जूते और चप्पल फंसे थे। ये देख कर छगन जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, अरे वाह बाबा वाह, बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है तुम्हारे। इसी तरह रोज खजाना मिलता रहा तो एक दिन तुम जल्दी ही रईस बन जाओगे। महादेव ने फिर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस मन ही मन बोला, हे भगवान, कैसे लोग हैं तुम्हारी दुनिया के। जो नदी हमें पीने को पानी और खाना देती है उसमें लोग न जाने क्या क्या गंदगी डाल देते हैं। इतना सोचकर उसने फिर से जाल डाला। इस बार उसके जाल में थोड़ी सी छोटी मछलियां फंस गई। लगातार मेहनत करने से महादेव का बूढ़ा शरीर थक गया था, इसलिए जो मछलियां फंसी थी उन्हें समेट कर महादेव बाजार चल पड़ा। दिन भर महादेव ग्राहकों का इंतजार करता रहा, मगर छोटी मछलियां होने के कारण उससे मछली खरीदने कोई नहीं आया। बाकी के मछुआरे बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ कर लाए थे, उनकी सारी मछलियां देखते ही देखते बिक गई। हे भगवान, शाम होने को आई है, अब तो बाजार भी उठने लगा है, एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा था थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो सत्ती के लिए खाना और दवाइयां लेता जाऊंगा, बेचारी बुखार से तड़प रही है। अभी महादेव ये सोच ही रहा था कि वहां एक आदमी आया और उससे बोला, बाबा ये मछलियां कितने की हैं? बेटा ये है तो 200 रुपए की, मगर मैं तुम्हें 150 में दे दूंगा। 150 तो महंगा है, मैं तो इनके केवल 100 रुपए दे सकता हूँ। वैसे भी बाजार बंद होने वाला है, अब कोई तुम्हारी मछलियां खरीदने से तो रहा, इससे पहले कि ये सब सड़ जाए इन्हें तुम मुझे 100 रुपए में दे दो। मरता क्या न करता, आखिर महादेव को 100 रुपयों में उसे सारी मछलियां देनी पड़ी। बाजार भी तब तक उठ चुका था। महादेव ने अपनी दुकान समेटी और वहां से घर चल दिया। अभी वो बाजार से निकल भी नहीं पाया था कि उसके कानों में एक आवाज आई, बाबा इस कंगले की भी सुनते जाना, 3 दिन से कुछ नहीं खाया बाबा, दया करो बाबा मुझ पर दया करो। महादेव ने मुड़कर देखा, एक अंधा अपाहिज सड़क के किनारे पड़ा कराह रहा था। उसकी दोनों आंखें खराब थी और दोनों पैर भी बेजान थे, जैसे 2 सूखे डंठल हों। महादेव को उस पर दया आ गई। उसने अपनी फटी हुई चादर उस अपाहिज को ओढ़ा दी और पास की एक दुकान से थोड़ा सा खाने का सामान लाकर उस अपाहिज को देता हुआ बोला, अब लो खा लो। तुमने मुझ अपाहिज पर इतनी दया दिखाई, तुम कौन हो बाबा? महादेव उसे अपने बारे में बताता है। तब अपाहिज अपनी झोली से कुछ दाने निकालकर उसे देते हुए कहता है, तुमने बिना किसी स्वार्थ के कंगले की मदद की है बाबा,
भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। लो ये दाने रख लो, कल जाल डालने से पहले इन दानों को नदी में छिड़क देना। महादेव ने दाने लेकर अपने पास रखे और अपनी फटी चादर उस अपाहिज को अच्छी तरह उड़ाकर वहां से घर चलाया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि सती की तबीयत अब कुछ ठीक थी। ये देखकर महादेव को थोड़ी राहत मिली। उसने खाना बनाना शुरू किया। उसने अपने लिए थोड़ी सी मछलियां बचा कर रखी थी। उन मछलियों के साथ उसने आज खरीदे हुए थोड़े से चावल और आलू बनाए और सती को खिलाया। सती को खिलाकर सुलाने के बाद जैसे ही वो खाने बैठा, तभी वहाँ गांव का कुत्ता कालू आ गया। कालू को देखते ही महादेव के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो कालू को पुचकारते हुए बोला, क्यों कालू बेटा, भूख लगी है, ठहर अभी तुझे खाना देता हूँ। इसके बाद महादेव ने अपने बचे हुए खाने में से एक हिस्सा कालू के सामने डाल दिया। एक अरसे से महादेव ऐसा ही करता रहा था। वो जब भी खाने बैठता तब कालू वहाँ आता और महादेव कालू के साथ मिलावट कर खाना खाता। खाना खाकर कालू वहाँ से चला गया और महादेव भी भगवान का नाम लेकर सो गया। अगली सुबह वो फिर अपना जाल लेकर मछली पकड़ने चल दिया। नदी किनारे पहुंचकर उसे उन दानों की याद आई जो कल अपाहिज ने उसे दिए थे। उसने उन दानों को नदी में बिखेर दिया और फिर वहाँ अपना जाल डाल दिया। अभी थोड़ी ही देर हुए थे कि अचानक लगा जैसे जाल में कोई भारी चीज फंसी है। महादेव जाल को खींचने लगा, मगर बूढ़ा होने के कारण उससे जाल खींचा नहीं जा रहा था। जैसे तैसे काफी देर की मेहनत के बाद उसने जाल बाहर निकाला। जाल को देखते ही उसकी आंखें चौंधी आ गई। जाल में एक बड़ी सी लाल परी मछली फंसी थी। छगन मछुआरा भी ये सब देख रहा था। लाल परी को देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, अरे बाप रे, इतनी बड़ी लाल परी है, अगर ये मुझे मिल जाए तो हफ्ते भर की कमाई एक ही दिन में हो जाए। इस बुढ़े से किसी भी तरह ये मछली छीन लेनी चाहिए। उधर छगन की दुष्टता से अनजान महादेव किसी तरह उस मछली को उठाकर वहां से जा रहा था। तभी उसे एक तेज धक्का लगा और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। मछली भी उसके हाथ से छूट गई। उसे छगन ने धक्का दिया था। उसके गिरते ही छगन तेजी से लाल परी को उठाकर भागा। महादेव चिल्लाया, अरे अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, वो मेरी मछली लेकर भागा जा रहा है, कोई पकड़ो उसे। मगर वहाँ कोई भी नहीं था जो महादेव की पुकार सुनता। लेकिन अगले ही पल ना जाने कालू वहाँ कैसे आ गया और भागते हुए छगन पर टूट पड़ा। उसने कई जगह छगन को काट खाया। छगन दर्द से चिल्ला उठा। उसका चिल्लाना सुनकर आसपास के रहने वाले लोग वहाँ भागे आए। इतने सारे लोगों के सामने अपनी पोल खुलने के डर से छगन लाल परी को वहीं छोड़कर भाग गया। तब तक महादेव भी वहाँ पहुँच गया। लोगों ने उस मछली को महादेव को सौंप दिया। मछली बहुत बड़ी है, इसे काट कर इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने लिए भी रख लूं तो भी बाकी हिस्सों की बाजार में अच्छी कीमत मिल जाएगी मुझे। ये सोचकर महादेव मछली को घर लाया और जैसे ही उसने उस मछली को काटा, उसके पेट से नींबू के आकार और सुर्ख लाल रंग का माणिक पत्थर रूबी निकला। माणिक को देखते ही महादेव की आंखें चौंधी आ गई। हे भगवान, इतना बड़ा माणिक पत्थर, इसकी कीमत तो लाखों में होगी। इसे पाकर तो मुझे सारी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जरूर उस अपाहिज के दिए हुए दानों का ही कमाल है। इस माणिक का एक हिस्सा उसका भी है। ये सोचकर महादेव उसी जगह पहुंचा जहां उसे वो अपाहिज मिला था। मगर अब वहां कोई नहीं था। वहां बस महादेव की फटी हुई चादर ही पड़ी थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि उन्होंने वहां किसी अपाहिज को पहले कभी नहीं देखा है। तो वो कौन था? क्या स्वयं भगवान मेरी मदद को आए थे और मेरे नसीब को चमका दिया? इस घटना के बाद महादेव की जैसे काया ही पलट गई। अब उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी न रही। वो अपनी पत्नी सती और कुत्ते कालू के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। साथ ही साथ दिल खोलकर दीन दुखियों की मदद भी करने लगा। ना जाने किसी दिन दुखी के भेष में कौन मिल जाए। एक बार नारद मुनि के मन में एक प्रश्न उठा, तो वो उसका उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। प्रणाम ब्रह्मा जी, आओ नारद, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण, ब्रह्मदेव, मैं आज आपके पास
एक प्रश्न पूछने आया हूँ। क्या नसीब का भी कोई खेल होता है? क्या मनुष्य के नसीब का भी कोई महत्व होता है? बिल्कुल देवर्षि नारद, मनुष्य का नसीब उसका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों में ही महत्व रखता है। वो कैसे ब्रह्मदेव, कृपया विस्तार से बताइए। देवर्षि नारद, इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। सोहन नगर में दयानंद नाम के एक बहुत बड़े ज्योतिष रहा करते थे। उनके पास ऐसी विद्या शक्ति थी कि वो सबका भविष्य पढ़कर बता देते थे। एक बार ज्योतिष दयानंद अपने पास आए एक व्यक्ति का हाथ देख रहे थे। तब दयानंद का 8 साल का पुत्र वहीं पास में खड़ा था। व्यक्ति के जाने के बाद वो अपने पिता से बोला, पिताजी मैं भी अपना नसीब देखना चाहता हूँ, क्या आप मेरा भी भाग्य पढ़कर बता सकते हो? पुत्र गोपाल, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हारा भाग्य जरूर बताऊंगा। जाओ अभी तुम जाकर खेलो। गोपाल के जाने के बाद दयानंद सोचने लगा, कहीं ना कहीं गोपाल ने सही बात बोली है। जब मैं सबका भविष्य बता सकता हूँ तो क्यों ना अपने बेटे गोपाल का भविष्य भी देख लूं। ज्योतिषी दयानंद आंखें बंद करते हैं और अपने पुत्र गोपाल का आने वाला भविष्य देखने लगते हैं, पर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं। ये मैंने क्या देख लिया, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे इकलौते पुत्र का विवाह एक भिखारी की कन्या के साथ होगा, ये कदापि नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं भाग्य देख सकता हूँ तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूँ, मैं अपने पुत्र का आने वाला नसीब ही बदल दूंगा। उसके पश्चात क्या हुआ ब्रह्मदेव? जब ज्योतिषी दयानंद ने अपने पुत्र का भाग्य देखा तो वो एक पल भी बिना देर किए उस गरीब के घर पहुँचा। दयानंद जानता था कि उस गरीब मजदूर के घर पहले ही 5 कन्याओं का जन्म हो चुका है और अब एक और कन्या ने जन्म लिया है। मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम बहुत दुखी और लाचार हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे घर में पहले ही 5 बच्चे थे, अब एक और कन्या ने जन्म लिया है, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूं? इसी दुविधा में हूँ, मैं अकेला कितना कमा लूंगा, अगर मुझे किसी की मदद मिल जाती तो बड़ा उपकार होता। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारी सहायता करूँ तो थोड़ा पुण्य मैं भी कमा लूँ। मेरा इकलौता बेटा है पर मेरी कोई कन्या नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कन्या को गोद लेना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारी परेशानी भी हल हो जाएगी और मेरी भी। मेरे पास धन दौलत संपत्ति की कोई कमी नहीं है, तुम्हारी कन्या मेरे घर राज करेगी, तुम मुझे अपनी कन्या दे दो, मैं उसे बेटी की तरह पालूंगा। दयानंद ने गरीब की मजबूरी का फायदा उठाया और गरीब बेचारा भी क्या करता, उसके पास इतना खाने को नहीं था कि वो अपने सभी बच्चों का पालन पोषण कर सके। वो तो यही चाहता था कि उसकी कन्या अगर किसी अमीर घर में जाएगी तो उसे सब ऐशो आराम मिलेंगे, इसलिए उस गरीब ने अपनी कन्या को दयानंद को देना ही उचित समझा। आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी, मेरी कन्या इतने बड़े घर में रहेगी तो मेरे ऊपर भी तो बहुत उपकार होगा, यहाँ रहेगी तो गरीबी में भूखी प्यासी मर जाएगी पर आपके यहाँ उसका अच्छे से लालन पालन होगा, मैं अभी अपनी कन्या को लेकर आता हूँ। उसके पश्चात उस गरीब मजदूर ने अपनी कन्या को इस आस में कि वो एक अमीर घर में खुश रहेगी दयानंद को सौंप दिया, पर दयानंद के मन में तो कुछ और ही पाप पनप रहा था। वो उस कन्या को लेकर एक तालाब पर पहुंचा। मैं इस कन्या को अपने घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगा, मेरे होते हुए ये हरगिज नहीं होगा, मैं अपने बेटे का भाग्य पलट के रख दूंगा।
नारायण नारायण, मेरा तो हृदय बैठा जा रहा है ब्रह्मदेव, अति शीघ्र बताइए उसके पश्चात उस दयानंद ने मासूम कन्या का क्या किया। दयानंद ने अपने पुत्र का भाग्य पलटने के लिए उस कन्या को तालाब में फेंक दिया और वहां से हंसता हुआ वापस चला गया। पर ये कहावत भी सही है कि जिसको राखे साइयां मार सके न कोई। उस तालाब में कमल के पुष्प थे, उन्हीं में से एक कमल का पुष्प तालाब में बह रहा था। कन्या तैरती हुई उस पुष्प के ऊपर आ जाती है और पुष्प के साथ ही बहने लगती है। तभी तालाब में एक मछुआरा मछलियां पकड़ने आता है। अरे ये कमल के फूल के ऊपर क्या है, इतना छोटा बच्चा ये किसने बेरहमी से इस तालाब में फेंक दिया। ये तो रो रहा है, मैं इसे घर ले जाता हूँ। पता नहीं कैसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को पैदा करके फेंक देते हैं। इतना सुंदर और मासूम बच्चा है, इसे घर ले जाता हूँ। भगवान मेरी भी कोई संतान नहीं है, इसे आपका आशीर्वाद समझकर मैं ही इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगा। और फिर वो मछुआरा उस बच्ची को अपने घर ले जाता है। ऐसे ही समय करवट लेता है और 20 साल बीत जाते हैं। दयानंद का पुत्र गोपाल अब बड़ा हो गया था। चलते चलते प्यास लग रही है, प्यास से गला भी सूख रहा है। वो सामने झोपड़ी दिखाई दे रही है, एक बार वहाँ चलकर पूछता हूँ, शायद पीने का पानी मिल जाए। सुनिए कोई है। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। कितनी सुंदर कन्या है, इसके चेहरे से तो मेरी नजरें ही नहीं हट रही हैं। बोलिए क्या चाहिए। जी जी, मुझे पीने का थोड़ा पानी मिल सकता है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। आपका नाम क्या है। जी मेरा नाम सुनंदा है। सुनंदा, अगर तुम मेरी एक बात का बुरा ना मानो तो एक ही नजर में मानो मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा देकर तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। पर बेटा हम लोग तो बहुत गरीब हैं, तुम मेरी कन्या के साथ विवाह करोगे तो तुम्हारे परिवार वालों को कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना। मैं आपके आशीर्वाद से इसी समय विवाह करके सुनंदा को अपनी पत्नी बनाकर ले जाऊंगा। मेरे होते हुए सुनंदा को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर मछुआरे ने अपनी कन्या का विवाह गोपाल के साथ कर दिया। जब सुनंदा को लेकर घर पहुंचा तो दयानंद उसे देखकर बहुत गुस्से में आ गया। गोपाल, तू विवाह करके आ गया और ये किसे ले आया है। इस लड़की के परिवार के बारे में कुछ भी अता पता किए बिना तूने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। पिताजी, सुनंदा के पिताजी ने मुझे विवाह से पूर्व सब कुछ सच सच बता दिया था, इनकी यही बात मुझे बहुत पसंद आई। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो, आखिर ये लड़की है कौन। मेरे पिताजी एक मछुआरे हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। आज से 20 साल पहले मैं उन्हें एक तालाब में सफेद कपड़े में कमल के फूल पर तैरती हुई मिली थी। उसके पश्चात उन्होंने मेरी जान बचाई और मुझे अपनी बेटी बनाकर मेरा पालन पोषण किया। ये लड़की क्या कह रही है, ये तो वही लड़की है जिसे आज से 20 साल पहले मैंने ही सफेद कपड़े में लपेट कर तालाब में फेंका था। सर्वनाश, ये सब क्या हो गया। पर अभी भी मेरे पास समय है, मैं इसे जान से मार दूंगा, फिर तो भाग्य पलट सकता हूँ। दयानंद के मन में एक बार पाप युक्ति फिर से जन्म लेती है। दोपहर के वक्त जब गोपाल काम पर गया होता है तो पीछे से सुनंदा घर पर अकेली होती है। यही मौका है इससे पीछा छुड़ाने का। सुनंदा कक्ष में सो रही है, ये सांप इसके कक्ष में छोड़ देता हूँ, सांप इसे काटेगा तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और इसके मरने के पश्चात मेरे पुत्र का किसी अच्छे घर में विवाह कर दूंगा। सांप को पिटारे में से निकाल लेता हूँ। नारायण नारायण, फिर क्या हुआ ब्रह्मदेव,
क्या दयानंद की ये कुटिल युक्ति काम कर गई? क्या सांप ने सुनंदा को काट लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई? देवर्षि नारद, आप जानते हैं यदि कोई व्यक्ति पाप कर्म करने लगता है तो उसका पाप कर्म उसी पर भारी पड़ जाता है। जैसे ही दयानंद ने पिटारे में से सांप को बाहर निकाला, सांप ने दयानंद के हाथ पर डंक मार दिया और दयानंद दर्द से कराहने लगा। अरे कोई बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया, कोई मेरी रक्षा करो। ये तो पिताजी की आवाज है। अरे इनको तो सांप ने काट लिया। घबराइए मत पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचाऊंगी। सुनंदा ने अपनी जान की परवाह किए बिना दयानंद के हाथ से सांप का सारा जहर चूस कर निकाल दिया। इतनी देर में गोपाल भी घर आ जाता है और वो वैद्य को बुलाता है। कुछ देर बाद दयानंद को जब होश आता है। दयानंद जी, आपको भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको इतनी होनहार बहू दी। आज इसी की वजह से आपकी जान बच पाई है। आपकी बहू सुनंदा ने आपके हाथ से सांप का सारा जहर निकाल दिया। जिस लड़की को मैं सदैव मारने के प्रयास में लगा रहता था, आज उसी ने मेरी जान बचाई। भगवान मुझे क्षमा कर देना, मेरे भाग्य में इतनी अच्छी बहू लिखी थी और मैं इसी अच्छे भाग्य को पलटने जा रहा था। बहू मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तुम दोनों सदा खुश रहो मेरे बच्चों। दयानंद को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने बेटा बहू को आशीर्वाद देते हुए खुशी खुशी अपना लिया। दयानंद की समझ में आ गया था कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, नसीब अपना खेल जरूर दिखाता है। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, आपके द्वारा सुनाई इस कथा से मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। नारायण नारायण, आपकी जय हो ब्रह्मदेव।